आज की हमारी रेसिपी है मछली के अंडे के बड़े बनाना। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए। हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल इजी कुकिंग में। यहाँ पे मैंने रुई फिश का एग लिया है, यहाँ पे आधा किलो समथिंग एग है। इसमें हमने बारीक कटा हुआ प्याज ऐड किया है, साथ में स्वाद के अनुसार नमक, आधा चम्मच हमने हल्दी और एक चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। इन सभी को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है, अच्छे से मिला लेना है। इसमें मैंने कोई बेसन, चावल का आटा वगैरह कुछ भी नहीं मिलाया है, सिंपल तरीके से बना रहे हैं। बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही अच्छा बनेगा। आप लोग इस तरह से ही बना सकते हैं। आप चाहे तो इसमें धनिया पत्ता, हरा हरी मिर्च ये वगैरह भी डाल के बना सकते हैं। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ। यहाँ पे पैन में मैंने डाला है तेल। तेल अच्छा गर्म होने के बाद एक एक चम्मच हमने इस तरीके से फिश के अंडे को रख दिया है। आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से रखा है। अभी हम गैस की फ्लेम को स्लो कर देंगे, जिससे अच्छे से अंदर भी कुक हो जाए। हमको स्लो करके पहले तेल अच्छा तवा को गरम करिए, तवा कढ़ाई उसको गरम होने के बाद, तेल गरम होने के बाद में फिर हम फिश के अंडे को डालेंगे। और इस तरीके से तवे को हम पूरा अच्छे से फैला देंगे। उसके बाद हम इसमें गैस की फ्लेम को स्लो कर देंगे कि अच्छे से जो हमारा अंडा है फिश का वो अच्छे से अंदर भी कुक हो जाए। तो इसी तरीके से 3-4 मिनट तक हमें स्लो आंच पे पकाना है, फिर इसे हम पलट लेंगे। दोनों साइड हमें अच्छे से पका लेना है, अच्छा क्रिस्पी हो जाता है, खाने में बहुत ही टेस्टी है, झटपट बन भी जाता है। बहुत ज़्यादा इसमें तामझाम नहीं है, आप इसी तरह से झटपट बना के आप खा सकते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है, खाने में बहुत ही टेस्टी है। आप लोग इसे ज़रूर बनाइए, ट्राई करिए, कमेंट करके बताइए। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे दोनों तरफ फिश फ्राई हो चुका है, फिश के अंडे फ्राई हो चुके हैं। जो थोड़ा बहुत बचा था उसे भी हमने फ्राई कर लिया है। इसी तरीके से आप बना सकते हैं फिश एग बड़े। बहुत ही सिंपल रेसिपी है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी बना है और अच्छा सॉफ्ट बना है, अंदर भी कुक हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।